और भाई लोग क्या हाल चाल है। तो गाइस यार यहाँ पे देखो ये फ्रैंकलिन कितना आराम से सो रहा है भाई, और साथ ही साथ इसका भाई शिनचैन भी एकदम आराम से सो रहा है। लेकिन शायद इन लोग को अभी नहीं पता कि इन लोग के साथ क्या होने वाला है। ये लोग भाई अच्छे खासे अमीर हैं, करोड़ों रुपए हैं इनके पास, लेकिन अभी ये लोग गरीब होने वाले हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कितनी अच्छी नींद आ रही है, मजा ही आ जाता है सोते सोते। अरे भाई साहब शिनचैन यार, भाई मेरी नींद नहीं पूरी हो रही यार, अब तो मैं 10 घंटे से पहले नहीं उठने वाला हूँ। फ्रैंकलिन डिसेंट आ, तुम्हें हर तरफ से घेर लिया गया है, जल्दी से बाहर निकलो वरना तुम्हें छलनी कर दिया जाएगा। जल्दी से बाहर निकलो फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन जल्दी से बाहर निकलो। एक सेकंड यार, कौन है? कोई आया तो है यार घर के बाहर, मेरा नाम बुला बुला के कह रहा जल्दी से बाहर निकलो। यार शिनचैन जा भाई देख लो यार कौन है, दूध वाला होगा मुझे लगता है। अरे नहीं यार फ्रैंकी भैया मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सोऊंगा बस खाली। अरे यार गाइस मुझे ही जाना पड़ेगा, चलो भाई अब देख ही लेते हैं यार क्या ही मतलब यार ऐसी नींद का, भाई पूरी नींद ही नहीं पूरी हो पाती यार। कोई ना कोई आ जाता, कभी दूध वाला आ जाएगा, कभी न्यूज़पेपर वाला आ जाएगा यार। बै यार ऐसे सोने में मजा भी नहीं आती है। हाँ भैया दूध वाले, दूध वाले। एक सेकंड भाई, यहाँ पे हर तरफ इतने सारे पुलिस वाले और मेरी तरफ भाई ये लोग गन क्यों तान के रखे हैं? क्या 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 गलती कर दिया यार मैंने यार। एक तो बस खाली मैं 10 घंटे सोने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से तुम लोग आ गए, भाई क्या गलती कर दिया मैंने जो तुम लोग इतना गन तान के खड़े हो। भाई साहब देख रहे हो इतने सारे पुलिस वाले हैं और सब के सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे गन ताने खड़े हैं। अरे भैया मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया यार, मैं तो कोई चोरी वोरी भी नहीं कर रहा आजकल यार। देख रहे हो गाइस यार जिधर मैं जा रहा हूँ उधर ये लोग गन तान ले रहे हैं, भाई क्या हो गया यार, बताएगा कोई? कोई बताएगा? सरकार ने हमसे ये घर खाली करवाने को कहा है क्योंकि तुम इस इलीगल घर के ऊपर रह रहे हो, और ये घर खाली करवा के यहाँ पे एक ऑफिस बनेगा। क्या कहा? ऑफिस बनेगा इलीगल घर के ऊपर रह रहे हो? अबे भाई दिमाग वहाँ ठिकाने है कि नहीं? पुलिस वाले हो तो क्या कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कह दोगे? सरकार का ऑर्डर है तुम्हारा घर जल्द से जल्द तोड़ा जाए, अगर नहीं टूटेगा तो हम लोग को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तुम लोग को जॉब से निकाले चाहे जो निकाले समझे, मेरा घर नहीं टूटेगा, ये मेरा पूरा घर है, यहाँ पे मेरे पास पूरे कागज है इसके समझे। ठीक है अपने घर के कागज लेके आओ जल्दी से। ठीक है 2 मिनट रुको, बस खाली बस 2 मिनट रुको, अभी जाता हूँ घर से कागज लेके आता हूँ इस पूरे घर के। हाँ नहीं तो यहाँ पे आए हैं मेरा घर खाली करवाने, मारेंगे बस सही हो जाओगे। चलो गाइस जल्दी से कागज ढूंढ लेते हैं, उसके बाद जल्दी से लाके इनको दिखा देते हैं। भाई आए हैं बड़ा यहाँ पे मेरा घर खाली करवाने, कह रहे हैं लीगल तरीके से रह रहा हूँ। चलो गाइस यहीं पे कहीं पे तो रखा था, कहाँ रखा था यार शिनचैन? यार यहाँ पे मैंने घर का कागज रखा था एक डायरी में करके, कहाँ है वो? अरे यार फ्रैंकलिन भैया मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? क्यों भाई, क्यों माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने तो कोई गलती भी नहीं करी है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या भाई क्या कर दियो ऐसा, जल्दी बताओ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मैंने आज से 3 साल पहले ये घर बेच दिया था और बेच के सारे पैसे खा गया। क्या कहा? घर बेच दिया था, बेच के सारे पैसे खा? अबे पगला पगला है क्या यार? अरे यार अब क्या होगा यार, कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम यार, मेरे बिना बताए यार कैसे तुम मेरा घर बेच सकते हो? अरे यार फ्रैंकलिन भैया मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी इसीलिए मैंने ये घर बेच दिया। अरे यार वो सब तो ठीक है, एक बार मुझे बताना तो चाहिए था यार, मैं जुगाड़ कर देता यार पैसे का। अब मैं पुलिस वालों को क्या जवाब दूंगा कि मेरा घर है या फिर नहीं? ओ शिट यार बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली गाइस अब। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे यार अब क्या ही फायदा माफी मांगने से भाई, अब तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। चलो गाइज इन लोग से बहाना मारता हूँ कि मेरे घर में आग लग गई थी जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा कागज जल गया। अंकल जी बात कुछ ऐसी है ना। अरे हमें बात ना बताओ तुम, बस हमें कागज दिखाओ कागज। हाँ हाँ बता रहे हैं रुक जाइए कि कागज ना हमारे घर में एक आग लग गई थी जिसके बाद वो कागज भी जल गया। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, 3 साल पहले ये घर बिक चुका है और तुम यहाँ पे इलीगली तरीके से रह रहे हो। आपके पास कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ हो तो बताइए वरना निकल लीजिए यहाँ से। रुक जाओ अभी तुम्हें सारे कागज दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। गाइस यार ये तो मेरे ही घर के कागज है यार, शिट यार इसके पास तो सारे के सारे कागज है कि मैंने 3 साल पहले ये घर बेचा है, लेकिन मैंने नहीं बेचा भाई, शिनचैन ने मेरी सिग्नेचर वगैरह करके ये घर बेच दिया यार। शिट यार अब तो मैं ये घर खाली करना ही पड़ेगा, ना खाली किया तो भाई यहाँ पे गोलियों से भून दिया जाएगा मुझे। ओ नो गाइस, अगर मैं ये घर खाली ना करूँ तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हें गोलियों से भून देंगे और तुम मर जाओगे बस, और कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसी
बात है तो फिर ठीक है, मैं खाली कर देता हूँ या कोई और घर दे दीजिए अगर आपके पास हो तो। कोई घर नहीं है, एक तो इलीगली तरीके से रहते हो, ऊपर से दूसरा घर मांगते हो, चलो निकलो यहाँ से। ओह शिट यार, क्या ही कर सकते यार। एक काम करता हूँ गाइस, जल्दी से शिनचैन को ले लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ यार, वरना ये लोग मार ही डालेंगे। ठीक है सर, अभी निकल रहे हैं, पहले शिनचैन को बुला लेते हैं। यार गाइस बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, शिनचैन भाई तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, अब जल्दी से उठ जाओ और निकलो यहाँ से घर से, वरना भाई अभी हम लोग की लाश बिछ जाएगी यहाँ पे। अरे यार फ्रेंकी भैया क्या हो गया? अरे यार शिनचैन भाई, बाहर पुलिस वाले आए हैं और बोल रहे हैं तुम 3 साल से इस घर में इलीगली तरीके से रह रहे हो, इसलिए घर को जल्दी से जल्दी खाली करो, अब हमें ये घर खाली करना पड़ेगा भाई। अरे यार फ्रेंकी भैया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यार मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, बस हमें ये जल्दी से जल्दी खाली करना पड़ेगा। अरे ठीक है यार फ्रेंकी भैया, लेकिन हम लोगों ने जो पैसे चुराए थे बैंक से वो पैसे ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ताकि हम लोग नया घर ले पाए। हाँ यार शिनचैन, ये तुमने बहुत सही बात बताई, चलो गाइस यहाँ से पैसे ले लेते हैं पहले तो यहीं कहीं। हाँ ये रहा भाई, यहाँ पे मैंने सारे पैसे चुरा के रखे थे भाई, ये देखो इतने सारे पैसे, ये सारे पैसे ले लेते हैं ताकि हम लोग फिर से एक नया घर खरीद सके। ऑल राइट गाइस, जल्दी से इकट्ठा कर लेते हैं सारे पैसे। ये फ्रैंकलिन वहाँ इतनी देर से गया, अब तक आया क्यों नहीं आया? फ्रैंकलिन वहाँ निकल, कहाँ है तू? जल्दी से निकल, बाहर बाहर निकल, चल निकल, तुझे पूरे घर को खाली करना होगा तुझे, पा यहाँ से निकल 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 निकल। ये कौन है यहाँ पे? इसका भाई भी है लग रहा है, चल तू भी निकल यहाँ से, इन सबको खाली करना होगा घर, चल निकल तू कहाँ। अरे यहाँ पे खड़ा है तू। अरे हाँ सर, वो क्या है ना कि हम लोगों ने कुछ पैसे कमाए थे तो वही मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, घर के साथ साथ ये पैसे भी सरकार के होते हैं समझे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, सबका सब जब्त कर लिया जाएगा। अरे सर लेकिन आप, मैंने घर भेजा था ना, ये पैसे तो मैंने कमाए है ना। नहीं नहीं नहीं, घर के साथ साथ ये भी पैसे भी हमारे सरकार की संपत्ति होती है, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो 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 जल्दी। अरे नहीं सर, ये मेरे पैसे हैं, मैं नहीं छोड़ने वाला ये सब। अगर तुमने ये पैसे ना छोड़े तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ ये सारे पैसे, और ये पूरा घर छोड़ के चले जाओ वरना आज तुम्हारी लाश बिक जाएगी यहाँ पे। अच्छा ठीक है यार गाइस, यार पैसे भी नहीं मिलेंगे अब हमें, कुछ तो कम से कम 10-15-20 हज़ार तो ले लेने दीजिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो निकलो यहाँ से चलो। गाइस यार कुछ भी नहीं मिलने वाला गाइस, यार फालतू में मैं यहाँ पे इतना वेट कर रहा था, अब तक तो मैं इकट्ठा करके भाग भी लिया होता यार। शिट यार शिनचैन भाई, पैसे भी नहीं मिले, घर भी नहीं मिला, सब कुछ ख़त्म भाई, सब कुछ ख़त्म। हम लोग एकदम गरीब बन गए भाई, एक नंबर के गरीब बन गए हैं, मतलब हम लोग से गरीब कोई हो ही नहीं सकता है। अपने भाई को भी बोलो बाहर निकल। और शिनचैन भाई तुम यहाँ बाहर निकलो यार, क्यों वहाँ पे खड़े हो? ठीक है यार फ्रैंकी भैया अभी आता हूँ, हम लोग पूरा गरीब हो गए यार। फ्रैंकी भैया अब क्या होगा यार, फ्रैंकलिन भैया अब क्या होगा यार? शिनचैन मुझे नहीं पता क्या होगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा, चलो भाई आ जाओ यार। गाइस यार लास्ट बार अपने घर में यहाँ पे घूम रहा हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा यार। गाइस चॉप को भी इन लोगों ने खाली करवा दिया यार, चॉप भी कल चला गया पता नहीं कहाँ पे यार। चलो गाइस अब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना ये लोग भाई मार ही डालेंगे मुझे। चलो भाई निकलते हैं यार, क्या बताऊँ मैं, कहाँ से लाऊंगा पैसे, कैसे क्या करूँगा? पुलिस अंकल यार कुछ तो उपाय बताइए। अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, दोबारा से मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करते 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 पैसे इकट्ठा करो और नया घर खरीदो। ठीक है पुलिस अंकल, अब हम लोग वही करेंगे यार, चलो आ जाओ शिनचैन यार। फाइनली गाइज हम लोगों ने ये घर छोड़ दिया है भाई, छोड़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या ही बताओ, देख रहे हो ना कैसे ये लोग पुलिस वाले आए हैं और मेरे ऊपर गन ताने खड़े हैं, अगर मैं ना गया ना तो अभी ये लोग भून डालेंगे मुझे, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। चलो शिनचैन भाई कोई बात नहीं, हम लोग फिर से अपनी मेहनत करेंगे और ढेर सारे पैसे इकट्ठा करके एक नया घर खरीदेंगे। आ जाओ शिनचैन भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार फ्रेंकी भैया हम लोग करेंगे क्या ये तो बताइए। यार शिनचैन मुझे नहीं पता हम लोग क्या करेंगे, बट कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे हम लोग पैसे इकट्ठा करेंगे और एक नया घर खरीदेंगे भाई। आ जाओ बस खाली आ जाओ। अरे यार फ्रेंकी भैया क्यों ना हम लोग कार चुरा के बेचना शुरू कर दें। अरे नहीं यार शिनचैन, फालतू काम नहीं करना यार, हम लोगों ने फालतू काम कर करके पैसे चुरा चुरा के, कार चुरा चुरा के पैसे इकट्ठा किए थे, उसके बाद घर खरीदा था, इसीलिए भाई ये घर हम लोग के हाथ से चला भी गया। अगर हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज हमारे पास होता ये घर। अरे हाँ यार फ्रैंकी भैया आपने बिल्कुल सही कहा, अब हम लोग ईमानदारी से पैसे इकट्ठा करके ढेर सारे घर खरीदेंगे। हाँ यार शिनचैन वही करेंगे अब हम लोग, चलो आ जाओ भाई, कुछ ना कुछ काम तो जरूर मिल जाएगा हम लोग को। अरे यार फ्रैंकी भैया वो देखो वहाँ पे एक बर्गर की शॉप लगी है, वहाँ पे चल के काम पूछते हैं। कहाँ पे भाई कहाँ पे? ओ भाई ये शॉप कब खुल गई भाई? लगता है नई नई शॉप खुली है भाई साहब। अरे अंकल जी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। क्या क्या
क्या आता है तुम्हें बताओ। मुझे ना ड्राइविंग आती है, मुझे कार चलाना आता है, मुझे चोरी करना आता है, लेकिन मैं चोरी करूंगा नहीं, मुझे काफी कुछ आता है। बर्तन धुलना आता है? बर्तन धुलना हाँ वो भी कर लूंगा, सीख लूंगा। ठीक है तो लग जाओ काम पे, यहाँ पे देखो इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जल्दी जल्दी बर्तन धुलो। ठीक है। पैसे कितने मिलेंगे लेकिन बर्तन धुलने के? एक दिन का 50 रुपए। गाइस यार एक दिन का 50 रुपए ठीक ही ठाक मिल रहा है यार, अब क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग को करना ही पड़ेगा। चलो शिनचैन भाई बर्तन धुलने पे लग जाते हैं, एक दिन का 50 रुपए मिलेगा भाई हम लोग को। ठीक है यार फ्रेंकी भैया, कम से कम कुछ तो मिलेगा, धीरे धीरे हम लोग और पैसे कमाएंगे। हाँ यार शिनचैन जल्दी से आ जाओ भाई। अरे यार अंकल जी आप साइड में हट जाइए थोड़ा सा। चलो गाइज अब यहाँ पे ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, ये सारे बर्तन धुल देते हैं जल्दी जल्दी। ऑल राइट गाइज मैं बर्तन धुलना शुरू कर दिया है भाई, बर्तन धुल धुल के चमका देना है बस खाली इनका, उसके बाद भाई हम लोग को 50 रुपए दे देंगे, उसके बाद तो भाई हम लोग और आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही बड़े बड़े काम करते चलेंगे भाई, मजा ही आ जाएगा। जल्दी जल्दी इनके बर्तन धुल देता हूँ। अरे शिनचैन भाई तुम भी आ जाओ मेरी हेल्प करो भाई। इस छोटे लड़के से कहो कस्टमर बुला के लाए, तो मैं 50 रुपए और दे दूंगा, एक दिन के 100 रुपए कमा सकते हो तुम लोग। अरे शिनचैन भाई भैया जैसा कह रहे हैं वैसा करो भाई, जल्दी से जाओ कस्टमर बुला के लेके आओ। ठीक है फ्रेंक भैया अभी जाता हूँ। अरे आओ भैया आओ फ्री में बर्गर खाओ, आओ भैया आओ फ्री में बर्गर खाओ। भैया भैया अरे दीदी आपको बर्गर पसंद है क्या? अरे हट आगे से। अरे आपको बर्गर पसंद है क्या? अरे हट आगे से वरना चढ़ा दूंगी तेरे ऊपर। अरे आपको बर्गर पसंद है क्या? अरे हट आगे से वरना चढ़ा दूंगी, सच में बता रही हूँ, चल निकल यहाँ से, बर्गर नहीं पसंद मुझे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया उसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। अब मैं किसी से पूछूंगा ही नहीं ऐसे बर्गर पसंद है, मैं जाके किसी से घर वाले में पूछूंगा और उनको बर्गर दे के आऊंगा। यहाँ पे एक दीदी आ रही है, इनसे पूछ लेता हूँ इनको बर्गर पसंद है क्या, अगर पसंद होगा तो इनको ला के दे दूंगा यहाँ पे, या फिर बुला के लेके चलता हूँ। दीदी आपको बर्गर पसंद है क्या? हाँ हाँ मुझे बर्गर बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है फिर मेरे साथ चलिए। ठीक है चलो। चलिए दीदी आपको बहुत एकदम स्पेशल वाला बर्गर खिलाऊंगा, ऐसा बर्गर आपने कभी खाया नहीं होगा। चलिए 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 जल्दी चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए। ये देखिए आगे यहाँ पे एक नई दुकान खुली है, वहीं पे आ जाइए, जल्दी आइए। अरे भैया ये देखिए मैं एक कस्टमर और लेके आ गया, आपने एक कस्टमर और बुलाया तो मैं एक कस्टमर और लेके आ गया। यहाँ पे देखिए दीदी जी आई है बर्गर खाने के लिए, जल्दी आइए दीदी आपको बर्गर खिलाता हूँ, जल्दी आइए। आ रही हूँ देखते हैं तुम्हारा बर्गर कैसा है खा के, चलो आ जाओ देखते हैं, मैं अपने डॉग के साथ आई हूँ। हाँ भैया बर्गर दे रहे हो क्या? हाँ मैडम 50 रुपए का एक बर्गर है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ठीक है एक बर्गर दे दो। ऑल राइट गाइज मैंने बर्तन धुल लिए और शिनचैन ने यहाँ पे एक कस्टमर भी ला दिया, अब हमें 100 रुपए मिलेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अंकल जी मैंने आपका कस्टमर भी ला दिया और एक बर्तन भी धुल दिया है, जल्दी से मुझे 100 रुपए दीजिए, हम लोग अब जा रहे हैं आगे, हम लोग और भी काम है, इतने से हम लोग काम नहीं चलेगा। ठीक है ये लो अपने पैसे। ऑल राइट गाइज हम लोग को पैसे मिल चुके हैं, चल भाई शिनचैन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है यार फ्रेंकी भैया चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और ढेर सारे बर्गर नहीं पैसे इकट्ठा करते हैं। अरे आ जा भाई शिनचैन क्या कर रहा है? अरे यार फ्रेंकी भैया रुक जाइए थोड़ी देर, आ जा भाई आ जा। चलो गाइज अब देखते हैं अब हम लोग को और क्या काम मिलता है, जो भी काम मिलेगा हम लोग इकट्ठा करते चलेंगे, पैसे इकट्ठा करते चलेंगे भाई। 100 रुपए तो आज हम लोगों ने कमा लिया है, अब क्यों ना भाई कुछ और भी काम देखा जाए और उसको भी किया जाए। अरे सुनो कहाँ गए यार, सुनो इधर आओ तुम्हें काम की तलाश है ना, मैं तुम्हें काम देती हूँ, जल्दी से सुनो यार कहाँ गए। अरे हाँ हाँ बताइए क्या हो गया मैम, क्या काम है मेरे लिए? अरे मेरे पास एक डॉग है, ये देखो यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इस डॉग को घुमाने के लिए मैं पागल हो जाती हूँ, रोज इसको घूमना होता है, अगर मैं ना घुमाऊँ तो ये घर में ही पॉटी कर देता है, इसीलिए रोज इसको घुमाना पड़ता है, तो अगर तुम रोज इसको घुमाओगे तो मैं एक दिन का तुम्हें 100 रुपए दूंगी। क्या कहा, डॉग को घुमाने के 100 रुपए? वाह यार गाइस ऐसे अगर मुझे 10 डॉग मिल जाते हैं तो एक दिन में मैं 1000 रुपए कमा सकता हूँ यार, मजा ही आ जाएगी। आपके फ्रेंड के पास भी डॉग है क्या? हाँ हाँ मेरे फ्रेंड के पास भी डॉग है। ठीक है तो मैं उनके डॉग को भी घुमा दूंगा रोज। ठीक है घुमा देना। ऑल राइट गाइस यहाँ पे 200 रुपए का जुगाड़ हो गया है, ऐसे ही धीरे धीरे मैं और भी कॉन्टेक्ट्स बनाता जाऊंगा और डॉग को घुमा घुमा के और भी सारे पैसे कमाता रहूंगा। एक काम करती हूँ मैं, सारे अपने दोस्तों को बता देती हूँ, वो सब तुम्हें डॉग दे देंगे और तुम उन सबके एक डॉग को घुमा देना। हाँ हाँ ठीक है आपसे अच्छा कोई नहीं है, जल्दी से फोन कर दीजिए उन लोग को और जल्दी से बता दीजिए। ठीक है अभी मैं मैसेज करती हूँ सबको ग्रुप में और उसके बाद सबको बता देती हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे जिसको भी डॉग को घुमाना हो 100 रुपए लगेगा, आप यहाँ पे घुमवा सकती हैं। ठीक है मैंने मैसेज भेज दिया है, अब सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। ऑल राइट गाइज यहाँ पे हम लोग को काम हो जाएगा भाई, इतने सारे डॉग्स आ जाएंगे, अब लोग घुमा घुमा के उन लोग को पैसे कमा लेंगे यार, मजा ही आ जाएगा। अरे कौन यहाँ पे डॉग्स को घुमा रहा भाई, मेरे पास तो इतने सारे डॉग्स हैं, कौन घुमा रहा है भाई, जल्दी बताओ कौन घुमा रहा है यहाँ पे, कोई डॉग्स को घुमा रहा है क्या? अरे हाँ मैम जल्दी आइए आगे, मैं घुमा रहा हूँ। अरे यार तुम यहाँ
यहाँ पे कैसे? अरे मैंने ही तो मैसेज किया था तुम्हें। अच्छा अच्छा तुमने ही मैसेज किया था। ठीक है यही आदमी है क्या जो डॉग्स को घुमा रहा है? हाँ यही आदमी है। ठीक है जाओ इन सब डॉग्स को घुमा लो। ओ भाई साहब देख रहे हो कितने डॉग्स, 1 2 3 4 5 6 डॉग भाई, 6 डॉग को घुमाना है हमें और उसके बदले पैसे मिलेंगे 600 रुपए। वाह भाई मजा ही आ जाएगी। आ जाओ भाई शिनचैन भाई, चलो इन डॉग्स को घुमा के लाते हैं भाई, मजा ही आ जाएगी आज तो इतना ढेर सारे डॉग्स को घुमाने में, उसके बाद 600 रुपए भी मिलेगा। भाई साहब क्या ही अच्छा काम मिला भाई। चलो गाइस सिर्फ ऐसे घूमना है और इन लोग को भी घुमाना है, उसके बदले हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे, वाह यार मजा ही आ जाएगी। चलो 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 जल्दी से घुमा के लेके आ जाते हैं इन लोग को। भाई साहब कितने क्यूट तरीके से चल रहे हैं ये लोग, देख रहे हो ना, एक तो भाई कुछ पीछे ही छूट जा रहे हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी आओ यार, आराम आराम से चलो भाई, जल्दी जल्दी आओ। ऑल राइट गाइज यहाँ पे सारे के सारे डॉग्स हमारे साथ चल रहे हैं और भैया आराम से घूम रहे हैं यार, कितना मस्त है भाई, ये पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। चलो गाइज जल्दी जल्दी घुमा देते हैं इन लोग को डॉग्स को और ढेर सारे पैसे भी कमा लेते हैं। आई थिंक इतना घुमा दें इतना बहुत है यार इन लोग के लिए, या फिर और घुमा दें। अरे यार फ्रेंकी भैया और घुमा दो वरना ये लोग अभी गुस्सा आ जाएंगे। अच्छा यार ऐसा भी होता है क्या? चलो गाइज जल्दी जल्दी और घुमा देते हैं इन लोग को ताकि ये लोग गुस्सा ना जाए भाई, बस इतना तो बहुत है यार। चलो भाई अब आ जाओ वापस। चलो गाइज अब इन लोग को वापस लेके चलते हैं, इतना घुमा दिया गाइज, जल्दी से पैसे लेते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से क्योंकि और भी हमें काम मिल सकता है ऐसे ही। चलो गाइज जल्दी जल्दी चलते हैं वापस से। आ जाओ भाई डॉग्स लोग, जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ। ऑल राइट गाइज यहाँ पे मैंने घुमा दिया है काफ़ी इन लोग को। बस शिनचैन भाई ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, फिलहाल जो भी हुआ है तुम्हारे साथ जल्दी से आओ यहाँ पे। और अब यहाँ पे भाई इन लोग को दे देते हैं इस डॉग की चाबी। डॉग की चाबी नहीं, मतलब डॉग की चाबी नहीं, इन डॉग्स को इन लोग के हवाले कर देते हैं। आ जा भाई आ जा, ये देखो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं सारे के सारे डॉग्स, आपके डॉग्स को मैंने घुमा दिया है। ठीक है जल्दी से मैं तुम्हें 700 रुपए दे देती हूँ। 700 रुपए? लेकिन डॉग्स तो 1 2 3 4 5 6 हैं। हाँ हाँ 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देती हूँ ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दे दीजिए, आपसे अच्छा कौन है। चलो गाइज इनसे हम लोग पैसे ले लेते हैं। ऑल राइट गाइज पैसे ले लिए हम लोगों ने इनसे, अब भाई निकलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या काम है हमारे पास। आ जा भाई शिनचैन आ जा भाई, यहाँ पे हम लोग का काम हो चुका है, अब बस खाली आगे चलना है और कोई काम देखना है। चलो गाइज यहाँ पे बारिश भी होने लगी भाई, ओ शिट यार, अभी हम लोग के पास घर होता तो हम लोग आराम से वहीं पे छुप जाते, लेकिन यार हम लोग के पास घर ही नहीं है तो हम लोग को ऐसे ही भीगना पड़ेगा यार, क्या ही बताऊँ मैं। देख रहे हो ना गरीबी भाई, ऐसी गरीबी है भाई। एक सेकंड भाई, यहाँ पे अगर हम लोग छुप जाएँ तो शायद हम लोग ना भीगें। हाँ गाइज यहाँ पे हम लोग नहीं भीगेंगे। आ जा शिनचैन भाई आ जा, थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक बारिश हो रही है। आ जा भाई शिनचैन यार, क्या ही कर सकते हैं, इतनी गरीबी आ चुकी है हम लोग के पास कि भाई घर रही है रहने के लिए, यहीं पर वेट करते हैं जब तक बारिश नहीं बंद हो जाती है यार। अरे यार बारिश की वजह से ऊपर पानी जमा हो गया है, वो सब साफ नहीं हुआ तो मेरे घर में लीकेज आ जाएगा यार, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे प्लम्बर भी नहीं दिख रहा है यार, क्या ही बताऊँ कहाँ से इसको साफ करवाऊँ। एक सेकंड गाइज यहाँ पे कोई है जो शायद परेशान लग रहा है काफी ज्यादा। अंकल जी आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हो गया? अरे भैया मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि ऊपर से पानी टपक रहा है मेरे घर के अंदर, अगर वो साफ ना हुआ ना तो मेरे घर पे पूरा पानी भर जाएगा, इसीलिए अगर कोई साफ करने वाला हो तो बता देते यार। साफ करने वाला तो मिल जाएगा, मैं ही साफ कर देता हूँ, बस ये बताइए आप कितने पैसे देंगे? अरे पैसे की तो कोई कमी नहीं यार, तुम जितना बोलोगे उतना दे देंगे हम लोग। अच्छा ठीक है तो फिर 50,000 दे दीजिएगा मुझे। बस 50,000? ठीक है तुम जल्दी से साफ करो, हम तुम्हें 50,000 रुपए दे देंगे। गाइस यार मजा ही आ गई यार, शिनचैन भाई देखा तुम लोगों ने, तुमने भाई यार यहाँ पे सिर्फ ऊपर का छत साफ करने का 50,000 रुपए मिल रहा है, तो चलो भाई जल्दी से काम पे लग जाते हैं हम लोग। ठीक है यार फ्रेंकी भैया चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। ठीक है अंकल जी हम लोग जल्दी से आपके छत पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद आपका पूरा छत एकदम चकाचक कर देंगे, आपके अंदर पानी नहीं जाएगा भाई, आपके घर के अंदर एकदम चकाचक कर देंगे। ठीक है जल्दी से पानी के वाला काम सही करके और नीचे आओ, हम तुम्हें पैसा दे देते हैं फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गाइस जल्दी चढ़ते हैं इसके छत पे और देखते हैं भाई कहां से पानी टपक रहा है। ओ भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो कितना सारा पानी जमा हो गया है, यहाँ से कूद सकते हैं क्या हम लोग? हाँ भाई ऐसे आराम से चढ़ सकते हैं। ऑल राइट गाइज यहाँ पे देखो कितना सारा पानी जमा है, यही सारा पानी इसके घर में चू रहा होगा। चलो गाइज ये सारा पानी साफ करते हैं जल्दी से और उसके बाद पैसे ले लेते हैं जल्दी से जाके। ऑल राइट गाइज मैंने यहाँ पे साफ सफाई शुरू कर दी भाई, जल्दी से यहाँ से सारा का सारा पानी हटा देता हूँ, उसके बाद तो भाई मज़ा ही आ जाएगी। उसके बाद सारा का सारा पानी हटाने के बाद हम लोग को भाई 50,000 रुपए मिलेंगे, वाह यार मज़ा ही आ जाएगी भाई। एक सेकंड भाई ये
देखो भाई कितनी अच्छी किस्मत हम लोग की, पानी भी यहाँ पे रुक चुका है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और धीरे धीरे पानी यहाँ पे ऑटोमेटिक सूख ही जाएगा, तो भाई पानी अंदर चुएगा नहीं, और चुएगा नहीं तो भाई हम लोग को भाई पैसे भी मिल जाएंगे। वाह यार क्या ही मस्त किस्मत है। चलो गाइस जल्दी से यहाँ पे, ओ भाई यार चक्कर ही आ गया पानी में भीगते भीगते। ऑल राइट गाइस यहाँ पे देखो पानी वानी सूख गया है, थोड़ा सा और यहीं पे टाइम बिता देते हैं, उसके बाद तो पानी सूख ही जाएगा और हम लोग को भाई अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। वाह यार मज़ा ही आ गई, मज़ा ही आ गई। हेलो अंकल जी कहाँ गए यार, आपका मैंने काम कर दिया है, आप बिल्कुल अंदर जाके देख सकते हैं आपके पूरे घर में पानी नहीं चूरा होगा कहीं भी। कहाँ गए अंकल जी, कहाँ गए? अरे काम हो गया क्या? अरे हाँ हाँ अंकल जी काम हो गया, आप पूरे घर में जाके देख सकते हैं कहीं से भी पानी नहीं चूएगा। अरे ठीक है, मुझे तुम्हारे काम पे भरोसा है, जल्दी से पैसे ले लो और निकलो यहाँ से। अरे हाँ लेकिन पैसे हैं कहाँ ये तो बताइए। अरे सामने देखो अपने सामने। ओ भाई साहब ये देखो गाइज यहाँ पे हमें पैसे मिल चुके हैं, वाह यार मजा ही आ गई। चलो गाइज ये जल्दी से पैसे ले लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फाइनली गाइज मैंने पैसे ले लिए। चल भाई सिंचन आ जा भाई, देखा देखा भाई हम लोगों ने 50,000 रुपए एक ही बार में कमा लिए, जल्दी आओ भाई अमीर लोग हो तो क्या ही बात है। वाह यार फ्रेंकी भैया मजा ही आ गई, इतने सारे पैसे हम लोग को एक ही बार में मिल गए। हाँ यार सिंचन भाई मजा ही आ गई यार। चलो गाइज अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या काम मिल सकता है हम लोग को, जो भी काम मिलेगा हम लोग करते जाएंगे भाई और ढेर सारे पैसे कमाते जाएंगे भाई। अरे यार फ्रेंकी भैया मेरे पास एक आइडिया आया है। अरे ऐसा क्या आइडिया आ गया भाई तुम्हारे पास? अरे यार फ्रेंकी भैया मैं क्या सोच रहा था, हम लोग कंप्यूटर खरीद लेते हैं एक ठो, उसके बाद हम लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं और ढेर सारे पैसे हम लोग कमाएंगे फिर। हाँ यार सिंचन हम लोग के पास 50,000 रुपए तो है ही है, 50,000 रुपए में अच्छा खासा गेम वाला कंप्यूटर मिल जाएगा भाई, गेमिंग वाला कंप्यूटर मिल जाएगा और हम लोग गेम खेल खेल के ढेर सारे पैसे कमाएंगे, उसके बाद भाई हम लोग घर खरीद लेंगे। सही आइडिया है ना? अरे यार फ्रेंकी भैया एकदम मस्त आइडिया है, चलिए जल्दी से गेम वाला कंप्यूटर खरीदते हैं। हाँ यार सिंचन चल भाई चल जल्दी गेमिंग वाला कंप्यूटर खरीदते हैं। ऑल राइट गाइज आज हम लोग भाई गेमिंग कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं 50,000 रुपए का, उसके बाद हम लोग। अरे कहाँ गया भाई सिंचन? अरे यार फ्रेंकी भैया यहाँ पे हूँ। हाँ धीरे धीरे आता है, जल्दी आ भाई। आ गया यार फ्रेंकी भैया। ठीक है भाई ठीक है आ गया। ऑल राइट गाइज ये आ गया है, अब बस चलना है हम लोग को गेमिंग कंप्यूटर वाली शॉप पे और वहां से एक कंप्यूटर खरीदना है। भाई साहब क्या ही मजे आएंगे यार उसके बाद, क्योंकि अब हम लोग के पास गेमिंग कंप्यूटर होगा, यूट्यूब चैनल भी होगा और हम लोग गेम्स खेल खेल के डाल डाल के और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। वाह भाई मजा आएगी मजा आएगी। चल भाई जल्दी से कंप्यूटर खरीदते हैं पहले। तो गाइस कब से हम लोग भाई गेमिंग शॉप खोज रहे हैं और भाई खोजते खोजते दूसरे शहर आ गए लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रहा, और तो और भाई भूख भी लग गई। सबसे पहले चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद भाई कंप्यूटर वंप्यूटर खरीद लेंगे। भाई जान है तो जान है, सबसे पहले कुछ खाते हैं यार, उसके बाद देखा जाएगा। ऑल राइट अंकल जी कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है बेटा जो भी चाहिए तुम्हें ले लो। ठीक है अभी ले लेते हैं। चलो गाइज यहाँ से कुछ ले लेते हैं, क्या लें? ये ले लेते हैं भाई, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। ठीक है भाई 4, 2, 6, 1, 7, 7 रुपए का बिल बन गया है इनका। चलो 7 रुपए का बिल बन गया है, जल्दी से मेरा बिल बना दीजिए 7 रुपए का। अरे बेटा बिल तो नहीं बना पाऊंगा, ये कंप्यूटर जो है इतना खचाड़ा कंप्यूटर है, खराब हो गया है यार, बहुत बेकार हो गया है, ये बिल नहीं बना पाऊंगा मैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, मन तो करता है इसको बेच ही दूं। बेच दूं? कितने का बेचेंगे ये? अरे यार जो भी मन करे वो पैसे दे दो मुझे। अच्छा आपने कितने का लिया था ये? ज्यादा महंगा लिया था यार, 2,00,000 रुपए का लिया था। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको अगर इसके 1,000 रुपए दे दूं तो? पागल वागल हो गए क्या? कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे तब मिलेगा ये कंप्यूटर, वरना नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है आप 50,000 ले लीजिए और मुझे कंप्यूटर दे दीजिए। क्या सच में? हाँ हाँ सच में, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, 50,000 लीजिए ये कंप्यूटर दीजिए। ठीक है चलो निकालो पैसे निकालो पहले। ठीक है अभी देता हूँ। ये देखिए आपके पैसे मैंने यहाँ पे एकदम गड्डी गड्डी रख दिए 50,000 रुपए, आप ले लीजिए और हमें ये कंप्यूटर दे दीजिए। ठीक है ना? ठीक है ले जाओ ये कंप्यूटर, खचाड़ा कंप्यूटर है, लेके जाओ इसको जल्दी। ऑल राइट गाइस फाइनली हमें ये कंप्यूटर मिल चुका है और मुझे भाई सॉफ्टवेयर का काफी ज्यादा नॉलेज है, तो मैं इस कंप्यूटर को अच्छे से बना लूंगा। ये बुढ़ऊ को कुछ पता होगा ना इसीलिए इनको खराब लग रहा है, बाकी तो ये काफी तगड़ा पीसी है भाई, मजा आ जाएगा इसमें गेम खेलने में। ऑल राइट गाइस ये देखो भाई मैंने अपने टकले के ऊपर रख लिया पीसी अपना। चलो अब आ जाओ सिंचन भाई, अब चलते हैं इसको जल्दी से कहीं पे सेटअप कर लेते हैं। ऐसी जगह सेटअप करेंगे भाई जहाँ से, अरे यार इसके अंदर का कंपोनेंट दिख रहा है, ऐसी जगह सेटअप करेंगे जहाँ से भाई हम लोग आराम से गेम खेल सके और इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। अरे हाँ यार फ्रेंकी भैया मजा आएगी, जल्दी जल्दी चलिए जल्दी जल्दी। ऑल राइट गाइस चलो चलते हैं, अब जल्दी से कोई ऐसी लोकेशन खोजते हैं जहाँ पे भाई हम लोग गेम खेल सके और अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सके। चल भाई आजा सिंचन भाई, जल्दी 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 आजा। तो गाइस यार अभी ढूंढते ढूंढते हम लोग को यहाँ पे देखो गाइस एक गुफा मिल गई है जिसके अंदर भाई हम लोग यहाँ पे गेमिंग सेटअप कर सकते हैं। भाई यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, आराम से हम लोग यहाँ पे गेम्स खेल
मिल सकते हैं। ऑल राइट गाइस, ये देखो मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। भाई शिनचैन कहाँ गया यार, जल्दी से आओ। ये देखो मैंने सेटअप कर दिया है जल्दी से भाई, अब खाली बिजली की व्यवस्था करनी है इसको ऑन करने के लिए। वो तो मैं कर लूंगा भाई। आस पास एक घर है, वहाँ पे मैं जनरेटर देखा था मैंने, वही जनरेटर खींच के लेके आऊंगा, उसमें कनेक्ट कर दूंगा। अरे यार फ्रेंड भैया, आपने यहाँ पे कनेक्ट भी कर दिया? हाँ भाई, हाँ यहाँ पे कनेक्ट भी कर दिया है और यूट्यूब चैनल भी बना दिया है, बस खाली अब गेम खेलना बाकी रह गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए गेम खेलते हैं अब। हाँ भाई यहाँ पे चलो गेम्स खेलते हैं और अच्छे खासे यहाँ से पैसे कमाते हैं। तो गाइज यार, हम लोगों ने रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया है भाई। अब भाई सोने का वक्त है। शिनचैन भाई तुम भी सो जाओ, मैं तो भाई सो जाऊँ। यार बहुत मजा आ रही है भाई सोने में यहाँ पे, आज इतना थक गया हूँ मैं, क्या ही बताऊँ। ठीक है यार फ्रेंक भैया, मैं भी सो जाता हूँ। चलो चलो यहाँ पे सो जाता हूँ आराम से। अरे यार मजा ही आ गई भाई, शिनचैन आराम से सोना यहाँ पे। ठीक है यार फ्रेंक भैया, आराम से ही सोता हूँ। अरे यार फ्रेंक भैया, ये देखिए सुबह हो गई, चलिए उठी उठी उठी। अरे ये क्या, यहाँ पे तो हम लोग के इतने ढेर सारे सब्सक्राइबर और इतने ढेर सारे व्यूज आ चुके हैं हमारे वीडियो पे। वाह, यहाँ पे तो हम लोगों ने 50 लाख रुपए कमा लिए हैं। वाह यार फ्रैंकली भैया, मजा ही आ गई। क्या कहा 50 लाख रुपए? यार भाई मैं बेहोश ना हो जाऊं यार, 50 लाख रुपए एक ही दिन में हम लोगों ने कमा लिए। अरे हाँ यार फ्रैंकली भैया, हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बहुत दिन से खोला था, उस पे हम लोग को वीडियो डालनी थी, बस खाली आज हम लोगों ने वीडियो डाली और इतने सारे पैसे आ गए। वाह यार मजा ही आ गई। चलो गाइज, इस 50 लाख रुपए को हम लोग निकाल के लाते हैं बैंक से, उसके बाद यहाँ पे रखते हैं, और उसके बाद भाई उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग घर खरीदेंगे भाई, मजा ही आ जाएगी। अरे हाँ यार फ्रैंकली भैया, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। ऑल राइट गाइज, चलो चलते हैं जल्दी से यहाँ से। ऑल राइट गाइज, ये देखो गाइज, हम लोगों ने बैंक से पैसे निकलवा लिए और भाई शिनचैन को मैंने दे दिया, वही लेके आ रहा भाई। अभी तुम लोगों को मैं पीछे से दिखाता हूँ, इधर से दिखे नहीं, इधर से दिखाता। अरे भाई घूमो मत शिनचैन भाई यार, अरे यार ये तो बार बार घूम ही जा रहा है। ये देखो गाइज, इतने सारे पैसे है ना, देख लिया ना तुम लोगों ने। चलो गाइज अब मैं यहाँ से चलता हूँ और निकलता हूँ। वाह यार इतने सारे पैसे मिल गए हैं भाई, 50 लाख रुपए गाइज देखो एक ही बार में हम लोगों ने यूट्यूब से कमा लिए। चलो गाइज जल्दी चलते हैं और अब घर खरीदते हैं भाई, अब तो मजा ही आ जाएगी। लेकिन यार आज घर मिलेगा क्या, क्योंकि आज संडे है, एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं। ओके घर वाले से पूछते हैं भाई, फ़ोन आज मिलेगा क्या। ओके यहाँ पे उसको मैंने मैसेज दे दिया है। ऑल राइट एक बार कॉल ही कर लेते हैं यार, बात ही ख़त्म करो कॉल करके। ऑल राइट बात कर लेते हैं पहले। यार अभी वो कह रहा है कि आज संडे है तो आज हम लोग भाई कोई काम नहीं करते, आज हमारा ऑफिस बंद रहता है, तो आप कल पैसे लेके आइए, तुरंत घर लेके जाइए। तो गाइज यार अब यार मूड तो ख़राब हो ही गया है फिलहाल। चलो इस पैसे को कहीं छुपा देते हैं और उसके बाद भाई कल हम लोग घर ले लेंगे। चलो गाइज, तो आज और शिनचैन भाई इस पैसे को कल कहीं हम लोग को छुपाना पड़ेगा, ताकि भाई किसी की नज़र में ना आए और फिर हम लोग कल कर घर लेने चलेंगे भाई, मज़ा ही आ जाएगा। चलो चलो चलो। अरे पुक्की बेटा, सामने से देखो फ्रैंकलिन कलवा बहुत ढेर सारे पैसे लेके जा रहा है। लगता है वो फिर से अमीर बन गया है, एकदम भिखमंगा बन गया था ना, अब लगता है वो फिर से अमीर बन गया है। और उसने मेहनत करी है और पैसे कमाए है, तो उसके पैसे से तुम्हें क्या लेना देना। उसके पैसे चुरा लेते हैं हम लोग, मजा आएगी। एक बार अपने स्नाइपर से देखता हूँ कौन सा पैसा है यहाँ पे। अरे वाह, 1 कैरेट 2 कैरेट 3 कैरेट, पूरे के पूरे 50 लाख रुपए होंगे ये। वाह वाह, यहाँ पे फ्रैंकलिन कलवा भी है, यहाँ पे शिनचैनवा भी है। अभी चाहूँ तो इन दोनों को मार के ये सारे पैसे लूट लूंगा, लेकिन फिर मुझे पुलिस पकड़ लेगी, इसीलिए मुझे कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, देखता हूँ ये लोग कहाँ जाके छुपते हैं और कहाँ इस पैसे को छुपाते हैं, वहाँ से मैं चुरा लूंगा। आ जा भाई शिनचैन, आ जा, धीरे धीरे आना भाई, कोई जान ना पाए बस खाली। और भाई यहाँ पे तो लावा गॉड लोग भी रहते हैं, अच्छा हुआ इन लोगों ने देखा नहीं भाई, अच्छा हुआ भाई, वरना भी ये लोग हमें बुला ही लेते। इतनी दूर से क्या ही दिख रहा होगा यार, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा इन लोग को। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं और कहीं अच्छी जगह पे इसको छुपा देते हैं। आ जाओ भाई शिनचैन, जल्दी चलते हैं यार, कोई मस्त ही जगह पे छुपा देते हैं, कोई देख भी नहीं पाएगा। ठीक है यार फ्रेंकी भैया, जल्दी जल्दी मैं आता हूँ। तो गाइस यार ढूंढते ढूंढते अभी मुझे यहाँ पे एक खंडहर दिखा है, और भाई यहीं पे मैं सोच रहा हूँ छुपा दूँ बस, कोई आसपास हो ना। एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया भाई आसपास? अरे शराबी जुआरी, चल निकल यहाँ से। चलो गाइस इसको मार के मैंने गिरा दिया है, अब बस खाली यहाँ पे हम लोग को छुपा देना है पैसे, और भाई उसके बाद तो मजे ही मजे जिंदगी में। कल भाई हम लोग नया घर खरीदने वाले हैं, मजा ही आ जाएगा। चलो 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 चलो, ऊपर तो कोई नहीं है ना, एक बार देख लेते हैं गाइस पूरा अच्छे से, ताकि यहाँ पे भी कोई भी ना हो, उसके बाद ये सारे पैसे छुपा देंगे भाई साहब, क्या ही मजा आएगी। ऑल राइट गाइस, पूरा का पूरा घर खाली है और पूरा का पूरा कबाड़ा है यहाँ पे, मतलब इसका यहाँ पे कोई आता भी नहीं होगा। अच्छा भाई साहब मजा ही आ गई। आज भाई शिनचैन यहीं पे सारे पैसे रख दो भाई, उसके बाद हम लोग चलते हैं बाहर। ठीक है यार फ्रेंकी भैया, हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे पैसे रख दिए हैं। हाँ यार गाइस एक बार देखो तो कितने मस्त लग रहे हैं भाई, 50 लाख रुपए, भाई यार मजा ही आ गई। एक बार इसको भी दिखा दे, देख लेता हूँ अपने पैसे। वाह यार क्या ही मजेदार भाई, इतनी मेहनत से हम लोगों ने कमाया है भाई, मजा ही आ गई भाई, मजा ही आ गई। एक बार ये भी देख लेता हूँ कितने
मस्त पैसे हैं भाई यार। क्या ही गजब का है भाई। चलो शिनचैन अब बाहर चलते हैं भाई, कुछ खा वा के आते हैं और भाई अब रात में आके यहाँ पे सो जाएंगे आराम से। चलो भाई चलो आ जाओ शिनचैन भाई, निकल लेते हैं अब यहाँ से ताकि किसी को शक ना हो, कोई देख तो नहीं रहा। नहीं भाई, कोई दूर दूर तक नहीं देख पा रहा है, किसी को शक भी नहीं हो रहा है। चल भाई शिनचैन आ जाओ यहाँ से, निकल लेते हैं। ऑल राइट गाइज, मज़ा ही आ गई। चलो अब खाली बस हम लोग को यहाँ पे खा लेना है कुछ जाके, उसके बाद भाई हम लोग आते हैं थोड़ी देर बाद आराम से यहीं पे रेस्ट करेंगे। चल भाई आजा शिनचैन, कहाँ गया शिनचैन में? अरे भाई ये तो हरदम धीरे धीरे आता रहता है। आजा भाई शिनचैन, कहाँ है यार, कहाँ है भाई शिनचैन, जल्दी आ जल्दी आ। अरे यार फ्रेंकी भैया ये देखिए मैं आ गया। हाँ भाई आ जल्दी, चलो यार निकलते हैं यहाँ से और भाई कुछ खा पी के तब आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है यार फ्रेंकी भैया, चलो चलो कुछ खा के आते हैं। उस फ्रैंकलिनवा को लगा कि वो मुझसे अपने पैसे छुपा लेगा, लेकिन नहीं, अब मैंने उसकी लोकेशन देख ली है कहाँ पे उसने सारे पैसे छुपाए हैं। अब यहीं पे चल के सारे पैसे चुरा लेता हूँ, है तो नहीं वो, कहीं गया तो नहीं है, कहीं गया है लगता है। चलो 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 जल्दी चलता हूँ, छुप छुप के चलता हूँ और सारे पैसे छुपा लेता हूँ। और भाई यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई नहीं है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं और सारे पैसे चुरा लेते हैं। ऑल राइट, मजा ही आ गई। एक सेकेंड, यहाँ पे सुअर जा रहा है। चलो सुअर ही है, कोई आदमी नहीं है। चलो 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 जल्दी सारे पैसे छुपा लेते हैं। यहाँ पे एक आदमी भी आ रहा है लेकिन मेरी हाइट छोटी है इसीलिए वो देख नहीं पाएगा मुझे। चलो 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 ये सारे पैसे चुरा के भाग लेता हूँ मैं यहाँ से, जल्दी से ये सारे पैसे चुरा लेता हूँ। हाँ अरे पुक्की बेटा, तुमने तो फ्रैंकलिन के पैसे चुरा लाए, वो था नहीं क्या वहाँ पे? अरे नहीं नहीं लावा पापा, वो फ्रैंकलिन कलवा पता नहीं कहाँ गया था और मैंने उसके सारे पैसे चुरा लिए। ये देखिए पूरे के पूरे 50 लाख रुपए हैं। अच्छा सिर्फ पैसे ही थे या फिर कुछ और भी था? अरे था ना, वहाँ पे एक गेमिंग कंप्यूटर भी था, वो भी मैंने चुरा लिया है। कहाँ है वो? अरे यहीं कहीं तो रखा था मैंने। ये देखिए ये रहा पीछे, ये देखिए गेमिंग कंप्यूटर भी चुरा के लेके मैं आ गया। वाह वाह मजा ही आ गई, अब तो मैं गेम भी खेलूंगा। वाह पुक्की बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। वाह 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 मजा आ गई, जल्दी से सारे पैसे छुपा दो, जल्दी से कंप्यूटर छुपा दो। अरे नहीं नहीं पैसे छुपा दो, कंप्यूटर छुपाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कंपनी के बहुत ढेर सारे कंप्यूटर होते हैं, तो हो सकता है वो समझ ना पाए। ठीक है अभी सारे के सारे पैसे छुपा देता हूँ और कंप्यूटर में गेम खेलता हूँ। बहुत मस्त मस्त गेम है इसमें GTA 5 भी है, मजा आएगी खेलने में। भाई साहब बर्गर खाने में तो मजा ही आ गई, तुम पिज्जा खाए? पिज्जा कैसा था शिनचैन भाई? अरे यार फ्रेंकी भैया पिज्जा भी बहुत मस्त था। वाह यार मजा ही आ गई आज तो खाना वाना खाने में। चलो भाई अब चलते हैं अपने पैसे के पास, उसके बाद आराम करते हैं। ये जुआरी शराबी फिर से यहाँ पे आके बैठ गया। अभी तुझे बताता हूँ बेटा, तुझे कोई काम धंधा है या फिर नहीं? हट निकल यहाँ से, चल निकल। चलो छोड़ो जाने दो यार गाइस, इस बार नहीं मारते उसे, उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या है यार, छोड़ो जाने दो। आजा भाई शिनचैन, चलो भाई हम लोग अपने पैसे की रखवाली करते हैं यहाँ पे आराम से, किसी को भी नहीं पता लगने दिया भाई हम लोगों ने। देखा है ये कहाँ भाई, मैं दूसरी जगह आ गया क्या? अच्छा इस तरफ था मुझे लग रहा है। चलो गाइस देख लेते हैं, इस तरफ था हम लोग का। अच्छा हाँ भाई ये वाला था, मैं उल्टे तरफ से चला गया, तभी तो वो जुआरी वहाँ पे बैठा ही था। फिलहाल गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पैसों के पास। ये देखो गाइस कितने सारे पैसे भाई, 50 लाख रुपए यहीं पे तो रखे थे, कहाँ गए भाई? एक सेकंड, हाँ भाई शिनचैन पैसे कहाँ गए यार? अरे यार फ्रेंकी भैया कहाँ गए पैसे? यार मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ तुमसे, हम लोग यहाँ पे पैसे रखे थे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल के बाहर गए थे और फिर गए थे कुछ खाने, लेकिन एक सेकंड भाई पैसे कहाँ गए यहाँ पे थे? ओह नो गाइस, इतनी मेहनत से हम लोगों ने कंप्यूटर भी यहीं रखा था ना। अरे हाँ यार फ्रेंकी भैया हम लोगों ने यहीं पे कंप्यूटर भी रखा था। ओह शिट यार, पैसे के साथ साथ कंप्यूटर भी गया अपना। ओह माय गॉड यार किसने, अब मुझे पता लग गया किसने लिया है। यहाँ पे जो बाहर जुआरी बैठा था, शराबी बैठा था, उसी ने लिया होगा 100% बता देता हूँ मैं। एक सेकंड बेटा आप कहाँ गए तुम? ये रहा, ये दोनों लोग मिलकर चुराए। चल निकाल पैसे निकाल मेरे। अरे भैया कौन पैसा, हम तुम्हारा कोई पैसा नहीं जानते समझे। अच्छा पैसा नहीं जानते, भाग कहाँ रहे? रुक जा बेटा अभी बता, पैसा निकाल मेरा। अरे हम नहीं जानते भैया कोई पैसा तुम्हारा। ओ नो गाइस इन लोग को भी नहीं पता यार, मतलब कोई और ही चुरा के लेके गया है। ओ नो गाइस अब मैं कहाँ ढूंढूं, किससे बोलूं यार? शिट यार कहाँ गया यार पैसा मेरा, कहाँ गया यार मेरा पैसा? ओ नो गाइस यार शिनचैन भाई देख रहे हो ना यार, देख रहे हो पता नहीं कहाँ कौन चुरा ले गया। अरे यार फ्रेंकी भैया अभी मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है भाई जल्दी बताओ। अरे यार फ्रेंकी भैया लावा गॉड आइस गॉड देखो इतने बड़े हैं, वहाँ से उन लोग को सब कुछ दिखता होगा। हाँ यार दिखता तो होगा, तो क्यों ना चल के उनसे हेल्प मांगे, वो लोग बता देंगे कौन चुराया है हमारा पैसा। हाँ यार ये तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है, चलो गाइस जल्दी चलते हैं लावा गॉड आइस गॉड से पूछते हैं, शायद वो लोग हमें बता दे किसने चुराया हमारा पैसा। आ जाओ भाई शिनचैन जल्दी आओ। और
भाई लोग क्या हाल चाल है यार, हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया लावा गॉड आइस गॉड, यार प्लीज हमारी हेल्प करो, प्लीज भाई प्लीज हमारी हेल्प करो यार, प्लीज हेल्प करो। अरे ऐसा क्या हो गया तुम लोग के साथ बताओ। हाँ क्या हो गया भाई जल्दी बताओ। अरे यार हम लोग के पास एक बहुत ही खतरनाक सा कंप्यूटर था, एकदम ऐसे ही था मेरा कंप्यूटर, लेकिन यार यही वाला कंप्यूटर है क्या पता नहीं यार, लेकिन ऐसे ही था मेरा कंप्यूटर सेम। और तो और मेरे भाई 50 लाख रुपए थे जो कि हम लोगों ने यूट्यूब चैनल से कमाए थे गेम खेल खेल के, लेकिन यार सब कुछ पता नहीं कौन चुरा लेके गया, चुरा के लेके भाग गया। प्लीज़ अगर तुम लोग को पता हो तो बता दो यार, इतने बड़े बड़े हो वहाँ से तो सब दिखता होगा ना। अरे नहीं भैया हम लोग को तो बिल्कुल भी नहीं पता, और तो और पुक्की को तो बिल्कुल भी नहीं पता है। हाँ हाँ पुक्की को तो बिल्कुल नहीं पता है, बाकी किसी को पता हो चाहे ना पता हो। पुक्की को यार ये लोग पुक्की का क्यों नाम ले रहे हैं। पुक्की भाई ये कंप्यूटर कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारे पास तो कभी कंप्यूटर ही नहीं था। कल मेरा बर्थडे था समझे, कमला ने मुझे कंप्यूटर गिफ्ट किया है। अच्छा कंप्यूटर गिफ्ट किया है, कमला तुमने कंप्यूटर गिफ्ट किया है क्या। हाँ हाँ मैंने ही गिफ्ट किया है। अच्छा तो फिर ठीक है यार, एक ही जैसे बहुत सारे कंप्यूटर होते ना, तो हो सकता है सच में इन लोगों ने गिफ्ट किया हो। फिलहाल यार गाइस मेरे पैसे का कुछ जुगाड़ करो यार प्लीज यार प्लीज। अरे भाई यार पुत्ती भाई तब तुमने ये कंप्यूटर खरीद लिया भाई, तब खरीदा तुमने ये कंप्यूटर। अरे यार चुप हो जाओ। अरे बोलो तब खरीदा, कल तक तो तुम्हारे पास ये कंप्यूटर नहीं था। अरे चुप हो जाओ तुम मरवा दोगे मुझे लगता है। एक सेकंड भाई तुमने ये कंप्यूटर खरीदा है पुक्की, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो कह रहे तुम कमला ने गिफ्ट किया है। अरे नहीं फ्लैंटिन भैया, कमला ने गिफ्ट नहीं दिया है, गिफ्ट क्यों मिलेगा इसको गिफ्ट क्यों मिलेगा। अरे कल पुक्की का बर्थडे था ना, इसीलिए कमला ने गिफ्ट दिया है इसको ये कंप्यूटर। अरे नहीं फ्लैंटिन भैया, ये किसने कह दिया कल पुत्ती का बर्थडे था, कल पुत्ती का बर्थडे नहीं था। क्या कहा पुक्की का बर्थडे नहीं था, इसका मतलब पुक्की मुझसे झूठ बोल रहा है। क्यों भाई क्यों पुक्की मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो तुम। फ्रैंकलिन भैया मैं क्या बताऊं आपको, कल कमला मेरे पास आई और 50 लाख रुपए लेके आई थी, और उसने बोला कि मैंने कंप्यूटर भी चुराया है एक जगह से और 50 लाख रुपए भी चुराया है एक जगह से। जब मैंने पूछा ये पैसे और ये कंप्यूटर किसका है, तो उसने कहा कि फ्रैंकलिन कलवे का है और तुम किसी को बताना मत, मैं तुम्हें ये कंप्यूटर गिफ्ट दे देती हूँ, इसलिए मैंने ये गिफ्ट ले लिया। कमला ने ही चुराया है तुम्हारे 50 लाख रुपए फ्रैंकलिन भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे नहीं 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 ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहा है, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं, उसी ने चुराए हैं। कमला कहीं की मैंने तुम्हें अपना समझा था, मैंने सोचा था कि तुम मेरी बहन जैसी हो, लेकिन तुमने मेरे साथ गद्दारी करी, तुमने मेरे पैसे चुराए, मेरा घर भी चला गया, मेरे सारे पैसे भी चले गए, और अब तुम भी जाओगी क्योंकि तुमने मेरे साथ गद्दारी करी है। अरे नहीं नहीं मैंने नहीं चुराए हैं यार, सच बता रही हूँ मैं, मैंने नहीं चुराए हैं। यार तुम लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ किसने चुराए हैं पैसे, जल्दी से कमेंट करो वरना ये मुझे मार देगा। कोई भी कमेंट नहीं करेगा क्योंकि सबको पता है कमला ने ही पैसे चुराए हैं। कमला आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैंने इतनी मेहनत से 50 लाख रुपए कमाए थे और आज तुमने मेरे सारे पैसे चुरा लिए, अब तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम किससे मरना चाहोगी। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें ऐसे ही मार दूं, एक गोली मारूं खेल खत्म कर दूं, लेकिन और तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना चाह रहा हूं, इसीलिए सबसे पहले तुम्हारे हाथ पे गोली मारूंगा, उसके बाद तुम्हें और जगह पे गोली मारूंगा। ये ले कमला कहीं की तूने मेरे पैसे चुराए, ये ले कमला आज तेरा खेल खत्म। अरे फ्लैंटिन तलवे तूने मेरी मम्मा तो माल डाला, फ्लैंटिन तलवे मेरी मम्मा निर्दोष है, मेरी मम्मा ने पैसे नहीं तुलाए हैं, मेरी मम्मा ने पैसे नहीं तुलाए, ये पुत्तिया झूठ बोल रहा है, ये पित्तूया झूठ बोल रहा है, इस पुत्ती ने मुझे और मेरी मम्मा तो फताया है, मुझे फताया है इस पुत्ती ने, ये पुत्ती झूठ बोल रहा है। टकलू कहीं के अभी तुम्हें भी मार दूंगा समझे, दोनों लोग मिल के जो मम्मी और बेटे मिल के पूरा प्लान बनाए हो ना तुम लोग। अरे नहीं 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 हम लोगों ने तो ही प्लान नहीं बनाया है, ये पुत्तिया झूठ बोल रहा है, इसने हमें फताया है। एक काम करता हूँ जल्दी से भाग लेता हूँ यहाँ से वरना भी मैं मारा जाऊंगा। अरे पुक्की कहाँ भाग रहे भाई, कहाँ भाग, पक्का भाई यही चुराया है पैसे इसीलिए भाग रहा है। और नहीं तो क्या, मैंने ही तो चुराया है सारे पैसे, अब मैं भाग जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। चलो चलो जल्दी से कार में बैठते हैं, जल्दी से भाग लेता हूँ मैं, अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। बेटा पुक्की इतना भी आसान नहीं है मुझसे बच के भागना, चल बेटा देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अरे ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही यार, कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। कार स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि आज तेरी मौत खड़ी है तेरे सामने, ये ले पुक्की बेटे आज तेरा खेल खत्म, आज तुझे इसी कार के अंदर दफन करके मारूंगा, आज तू निकल बाहर, ये रहा पुक्किया, आज तेरा खेल खत्म पुक्की बेटा, आज तू गया, आज तेरा खेल खत्म, इसको मैं आरपीजी से ही मार देता हूँ, इसका पूरा खेल खत्म कर देता हूँ, ये ले पुक्की कहीं के, चल तेरा खेल खत्म हो गया ना, आप बोल। ये देखो गाइस इसका खेल खत्म कर दिया मैंने आरपीजी मार के, कहाँ गया पुक्किया, कहाँ गया, हाँ इसी में था ना पुक्की भाई,
भाई है ना इसी में, मतलब मरा ना या फिर भाग गया कहीं। यार मैंने तो उसको देखा भी नहीं कि इसी में था या फिर नहीं। ओ शिट यार, पता नहीं वो भागा या फिर बचा या फिर मरा यार, पता नहीं क्या हुआ उसका। फिलहाल गाइज इतनी ज़्यादा आग जल रही तो वो जिंदा बच ही नहीं सकता, अब तक तो मर ही गया होगा। चलो गाइज फाइनली मैंने अपने दुश्मन को मार डाला, लेकिन यार कमला फालतू में मर गई यार। शिट यार, कमला को नहीं मारना चाहिए था मुझे, गलती हो गई यार। शिट यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस फ्रैंकलिन कलवे को लग रहा है कि उसने मुझे मार दिया, लेकिन मैं उधर से बैठा जब कार नहीं स्टार्ट हुई तो मैं उतर के भाग गया था। अब मैं यहाँ से छुप के उस फ्रैंकलिन कलवे का खेल खत्म कर दूंगा। ये ले फ्रैंकलिन कलवे, तेरा खेल खत्म। सबसे पहले इस टकलुआ को मारता हूँ। ये ले टकलू कहीं के। एक सेकंड भाई, कौन गोली मार रहा, कौन गोली मार रहा भाई, कहाँ से गोली मार रहा, कौन है भाई, कौन है, कौन है, कौन है गोली मार रहा यार। मैं गोली मार रहा हूँ, मैं अब तेरा खेल खत्म। ये इसको मारूं या फिर इसको मारूं, सबसे पहले इसको मारता हूँ, खेल खत्म। इसका भी अब इसको मारता हूँ। ये ले सबका खेल खत्म, सारे के सारे पैसे अब मेरे। चलो चलो चलो, बच गया। थोड़ी सी चोट लग गई है लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारे के सारे पैसे मेरे, मेरे सारे के सारे पैसे। और किसी को दिक्कत हो तो बताओ, मैं उसको भी मार डालूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम बच गए। चिंकी तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ मुझे दिक्कत है, तुमने सबको मार डाला। अब मैं किसके साथ रहूंगी, मैं किसके साथ खेलूंगी? अच्छा तुम्हें दिक्कत है तो ये लो जाओ, निकलो तुम भी। और किसी को दिक्कत है क्या? नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, जैसे बोलोगे वैसा सही है। ओक्की के बच्चे, तूने मेरी बिटिया चिंकी को मार डाला, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुझे जिंदा ना जला दिया तो कहना, देख पुकिया देख अब तेरे साथ क्या करता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, मुझे जिंदा जला दिया लावा आइस गॉड ने। बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा जला दिया। बेचारा पुकिया मारा गया और खुद भी मरा, सबको मार भी डाला, सिर्फ मैं ही बचा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे किसी भी चीज से दिक्कत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रहूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। समझ गए ना तुम लोग।